तो यहाँ पर है जानकी मंदिर, दिखना शुरू हो चुका है अब, ये पूरा दिखने लगा है। जानकी मंदिर है, जगत जननी माँ सीते का एक घर है, जो पहले मिथिला हुआ करता था, तो उसमें जनक जी यहाँ के राजा हुआ करते थे मिथिला के। हैं तो यहाँ पे पार्क आपको घूमने वाला है, और उसको उस साइड जानकी मंदिर है। दोस्तों पीछे में जो आप महल या फिर घर देख रहे हैं, कोई ऐसा वैसा महल नहीं, बल्कि आपको बता दें जनक जी का ये घर हुआ करता था, यहीं से वो राज किया करता था जिस समय मिथिला राज हुआ करता था। ज़्यादातर हिस्सा बिहार में पड़ता है और कुछ हिस्सा नेपाल में पड़ता है। तो मैं हूँ अभी जनकपुर में, जो कि बिठामोर इंडियन बॉर्डर जो है वहाँ से 20 किलोमीटर अंदर नेपाल में आने के बाद ये जनकपुर पड़ता है। तो वहाँ पर जनक जी का घर है, और ये सीता जी यहीं से पले बड़े हैं, और यहीं से पूरे जनक जी राज किए करते थे। और अंदर में इसको महल के अंदर में जाने के बाद वहाँ पर मंदिर वगैरह भी है सीता जी का, तो वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बैक कैमरा से पूरी चीज़ दिखाता हूँ। आपको बता दें जो सीता जी जो है ये जनक जी के बेटी थी, जो कि आपको बता दें राम जी से शादी हुई थी, कुमारवा भी यहाँ पे है। तो चलिए मैं आपको बैक कैमरे से पूरी चीज़ दिखाता हूँ, उस मंदिर का सीन। दोस्तों हम आ चुके हैं जानकी मंदिर में, और इस साइड देखिएगा तो यहाँ पे मरवा है सीता जी को, यहीं पे राम जी का प्रसाद यहीं पे हुआ था, क्योंकि आप देखते हैं कि मरवा है यहीं पे, मतलब कि शादी वगैरह हुआ था। दोस्तों यही है मरवा जहाँ पे शादी हुआ था माँ सीते और राम जी का, जो कि नेपाल में पड़ता है, नेपाल इंडिया बॉर्डर से लगभग 20 किलोमीटर के आसपास के अंदर में नेपाल में जानकी मंदिर है, साइड में जानकी मंदिर है, और इधर यहाँ पे शादी वगैरह हुआ था, ये मरवा है। चलिए चलते हैं जानकी मंदिर में, और इसमें जाने के लिए टिकट लगता है, तो मैं बाहर से चीज़ आप सभी को दिखा दिया हूँ। और ये रहा जानकी मंदिर, ये रहा टिकट काउंटर, जो कि आपको शुल्क रूप में 10 रुपया लगता है, और भारतीय रुपया 7 रुपया इसमें लगता है। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ 7 रुपया इंडिया और 10 रुपया नेपाली रुपया टिकट है मरवा के अंदर जाने के लिए। और ये रहा प्रांगण जानकी मंदिर का, यहीं से जनक जी राज किया करते थे। ये घर है जो कि अब जानकी मंदिर के नाम से जाना जाता है। अंदर में जाने के लिए यहाँ पर भी गेट है, और आगे से जाने के लिए आगे से भी रोड है। देखो तो बहुत सारा फील्ड है घूमने के लिए, कोई इसका वहाँ तक भी है, चारों साइड से इसको घूम सकते हैं। तो ये रहा आगे का सीन, फ्रंट का सीन है कुछ इस तरह का, मैं थोड़ा और दूर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो तो ये है जानकी मंदिर, और अंदर जाने के लिए ये रहा गेट, मेन गेट, और इधर से भी जा सकते हैं साइड से भी। तो ये रहा पूरे जानकी मंदिर का सीन है, जो कि जनक जी का, आपको बता दें कि सीता जी का जन्म सीतामढ़ी में हुआ था, बिहार में पड़ता है इंडिया में। तो जनक जी वहाँ पे हल जोतने के लिए गए हुए थे, तो वहाँ पे जनक सीता जी जब उखड़े थे हल चलाने के समय में, तो जनक जी यहाँ पे ले आए थे। तो ये जनक जी का घर आप समझ सकते, जो कि इसे अब जानकी मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो चलिए मैं थोड़ा आपको अंदर का भी सीन दिखा देता हूँ, चप्पल खोल के जाना पड़ेगा। तो भाई साहब रोक लिए चप्पल खोलने के लिए, हम भूल गए थे। और एक गेट यहाँ भी है, और ये रहा बीच में जाने के लिए का ये मंदिर है। आप यहाँ पे भी चारों साइड से, इधर से भी घूम सकते हैं, इधर से भी घूम सकते हैं। तो बहुत धूप के कारण पैर जल रहा है, तो अंदर में कैमरा अलाउ नहीं है, तो मैं अंदर में नहीं जाऊँगा। और ये रहा परवा देख सकते हो, और इसको अंदर में जाने के लिए भी वहाँ पे गेट है अंडरग्राउंड में नीचे, तो वहाँ पे संग्रहालय टाइप का है। सीता जी क्या पहनते थे, किस दिन को क्या पहनते थे, वो सारी चीज़ वहाँ पे दिया गया था, कौन सा गहने पहना करते थे, कौन सा कपड़े, वो सारी चीज़। तो वहाँ पर भी टिकट कराना पड़ेगा, दिया अंदर जाना पड़ता है, उसके लिए अलग से टिकट लगता है। तो चलिए फिर कभी जाएँगे, आप कमेंट कीजिएगा कि आपको अंदर का सीन देखना है, तो मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए फिलहाल चलते हैं, कुछ इस तरह का व्यू वगैरह देखने का सीन है। तो ये रहा मंदिर, यही पे सीता जी का प्रतिमा लगाया गया, मूर्ति है। और एक गेट यहाँ पे निकलने के लिए, और एक गेट वहाँ पे अंदर आने के लिए। चलिए मैं बाहर चलता हूँ। अरे नरिये 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 चटनों पटर
दर्शन के लिए जगह है और इधर मरवा है। तो यहाँ जनकपुर तक आने के लिए आप इंडिया के पास इंडियन रुपया है तो फिर भी यहाँ पे आ सकते हैं, या फिर आप बॉर्डर साइड में भी एक्सचेंज करा सकते हो, मतलब कन्वर्ट करा सकते हो इंडियन रुपया के नेपाली में, तो भी आ सकते हैं। लेकिन आप इंडियन रुपया तो फिर भी आ सकते हैं, घूम सकते हैं, यहाँ पर लेते हैं, हिंदी भाषा भी समझते हैं। और यहाँ पर नेपाली और इंडियन एक दूसरे से शादी भी होता है, रोटी रोटी जिसको कहा जाता है। तो नेपाल के लोग कलर की इंडिया में शादी करते हैं और इंडिया के लोग भी नेपाल में शादी करते हैं। तो यहाँ पर मेरा दीदी का घर है जनकपुर में, तो मैं घूमने आया हूँ जनकपुर में। तो यह है चारों साइड का सीन मंदिर का, और ये राखी मरवा, मैं मरवा के पास आ चुका हूँ। और कुछ दूरी पर ही एक तालाब है वहाँ पे, तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं मछली, उसमें बहुत ही उसमें मारने के लिए मछली पकड़ने के लिए अलाव नहीं है, तो वहाँ पे लोग मुठी वगैरह दाना वगैरह देते हैं खिलाते हैं। तो कैमरा में देखते हैं कि रिकॉर्ड हो पाता है या नहीं, चले चलते हैं तालाब में। देखिए ऐसे मछली को दिख रहा होगा तो यहाँ पे, वहाँ पर भी बहुत सारे मछली है। यहाँ पर जैसे मछली है, कैमरा सही में कैद ना हो इस समय मछली सब है। वहाँ पर जैसे मछली है बहुत सारा मछली, तो ये चारों तरफ का कुछ भी इस तरह सा। कौन सा तालाब है, तालाब का नाम है धनुसागर, पोखरी का नाम है ये तालाब का। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें पोखरी माँ साबुन का प्रयोग सर्फ का प्रयोग ना करें, क्योंकि इसमें जो है मछली उछली इसमें है तो उसको नुकसान पहुँचेगा, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और मंदिर भी जानकी मंदिर सामने में यहाँ पर देख सकते हो। और ये जो बॉर्डर है, ये जो कंपाउंड है उस साइड मरवा है, तो मतलब पास ही में ये पोखरी है। और यहाँ से लोग सोयाबीन मूढ़ी लेकर और यहाँ पे मछली वगैरह भी खिलाते हैं। तो ये रहा जानकी मंदिर, और जानकी मंदिर का गेट उधर से भी है, एक गेट इधर से, एक गेट यहाँ पे है और इधर छोटा सा है और बड़े घर जाने के लिए इधर से, और एक गेट उस साइड से, और इधर ये सीन रहा चारों साइड से। ये रहा जानकी मंदिर का भी हो रहा है। तो दोस्तों अभी हमारे जानकी मंदिर जनकपुर में पड़ता है, जिस नाइट का व्यू कुछ इस तरह का है। तो नाइट में कुछ इस तरह का नज़ारा है जानकी मंदिर का, और चारों साइड का भी कुछ इस तरह का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो के लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमें सपोर्ट करने के लिए UPI ID दिया गया डिस्क्रिप्शन में, सपोर्ट करें।